फ्रेंड्स, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम डिमांड है वो वाटरफॉल लाइट का डिमांड है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, इसको खोल करके दिखाओ। ठीक है, तो इसको अनबॉक्स करके हमने खोल करके लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है इसमें, तो देखिए पहले अनबॉक्सिंग बताता हूँ, अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं, उसके बाद इसका प्राइस और इसकी लेंथ बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, जब खोलेंगे ना तो इसमें बहुत सारे बैंड नज़र आएंगे आपको अंदर की तरफ में, इस तरीके से। ये देखिए, ये यहाँ पर बैंड लगे हुए हैं, ये देखिए 1। ठीक है, और इस तरीके के लगभग इसमें कई सारे बैंड लगे हुए होंगे, तो इन बैंड को आराम से खोलना है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से खोलना है। ठीक है, लंबा चौड़ा लाइट होता है तो फ्रेंड्स इसमें बैंड लगाना बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो इसको आराम से खोलना है बिल्कुल प्यार के साथ में। जब आप इसको आराम आराम से खोलेंगे तो बिल्कुल एकदम सुलझ जाएगा, मतलब उलझा हुआ ऐसा लगता है, सुलझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वायर को खींचना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको बात करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें लड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसके जो ऊंचाई की बात करेंगे हम, देखिए जो इसका ऊपर से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर से और नीचे तक ये 10 फीट होता है फ्रेंड्स। ये ऊपर से नीचे तक 10 फीट होता है, जैसे कि हमारा जो छत का जो ऊंचाई होता है ज़्यादातर 12 फीट, 11-12 फीट होता है, तो 10 फीट यानी कि नीचे तक आता है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से ख़राब भी नहीं होता। और यहाँ पर इसके इसको अगर आप काउंट करेंगे ना, इसकी जो लड़ी है इनको काउंट करेंगे तो ये होंगी 10, और लगभग 1 फीट पर ये लड़ी होता है। तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये 10 फीट ऊपर से नीचे की तरफ और 10 फीट चौड़ाई में, मतलब ये लड़ी जो है 10 है और 10 लड़ी 1 फीट की दूरी पर है, तो इसका मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट हो गई, और जो इसकी लंबाई है मतलब जो ऊंचाई है वो भी 10 फीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके का एक वाटरफॉल लाइट। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें 10x20 का शायद आता है और 10x30 का भी आता है। ठीक है, लेकिन मार्केट में जल्दी से वो अवेलेबल होता नहीं है, और ज़्यादा उसका ज़्यादा डिमांड भी नहीं। जब जो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है वो 10x10 का ही होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसका, उसमें दोस्तों ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, 20 फिट हो जाती है, तो उसको थोड़ा वो जैसे मैंने बताया ना, अनबॉक्स करके उसको खोलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो उसकी जगह आप एक लेने की बजाय आप ये 2 ले सकते हैं, और इसके आगे में उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी लंबाई बढ़ाते जा सकते हैं, और कितनी जितनी भी बड़ी आपकी बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा राउंड में घुमा सकते हैं आगे में इसको ज्वाइंट करके। ठीक है, तो ये 10 का तो एक ही प्लग लग जाएगा, अगला वाला प्लग बीच में लगा देना है, तो इसकी वजह से तो 10x20 तो अपने आप ही हो जाएगा अगर 2 लगाते हैं तो आप, और एक ही जगह से इसको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने तो गार्डन में लगाया, आप इसको दीवार वगैरह पे लगाएंगे, मैंने तो सिर्फ अभी इसको देखिए, इसको ऑपरेट करने का सिस्टम है दोस्तों, ऑटोमेटिक ऑपरेट है और मैनुअली भी कर सकते हैं। ये देखिए, जिस फंक्शन में आपको चलाना है उस फंक्शन में चला सकते हैं। जिन भाइयों को रेट का नहीं पता, उनके लिए रेट भी बता देता हूँ दोस्तों, होलसेल मार्केट में लगभग 300 रुपये से और 400 रुपये के बीच में दोस्तों, जैसे भी जिसका हिसाब है उस तरीके से ये सेल हो रहा है मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।